चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आए हो, जिस वीडियो में बताऊंगी जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन रहेगा 10th ऑफ जान का। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लॉट इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सको। अगर देखें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया आज का फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन 17,812 पे 66 पॉइंट यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, अच्छा सा गैप अप मार्केट हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ की क्लोजिंग दी है। एडवांस में देखें तो 32 देखने को मिल रहा है, डिक्लाइंस में देखें तो 17 देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा अपन ऑप्शन चेन एनालिस करेंगे और ऑप्शन चेन एनालिस के हिसाब से देखेंगे कहाँ पे कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। निफ्टी का अगर देखें तो 13th ऑफ जान का जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो उसका अपन ऑप्शन चेन एनालिसिस करने वाले। यहाँ पे 17,800 के नियर बाय यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिए, तो चलिए 17,800 का लेवल देखें तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अच्छा सा पुट राइटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि 58,000 है। उसके अगर देखें तो कॉल राइटिंग भी 55,000 है। तो ये क्रुशियल लेवल है 17,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक बुलिशनेस देखने को मिल सकता है और यहाँ पे पुट राइटर्स बढ़ते। तो अदरवाइज 17,800 के नीचे अगर सस्टेन करता है मार्केट सॉरी और यहाँ पे देखें तो 17,800 के यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ती तो अच्छा सा रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट रह के तो 17,700 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। हाँ, 17,700 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि 47,000 यहाँ पे पुट राइटर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ अगर देखें तो 17,700 का सपोर्ट रहेगा, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तभी अच्छा सा और वीकनेस मार्केट में देखने को मिल सकता है। चलिए भी निफ्टी को देख लेते हैं, डेली कैंडलस्टिक पे क्या देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी अगर देखें तो एक अच्छा सा बुल रैली होने के बाद यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन होकर प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद आज गैप अप वगैरह ओपन होकर एक इंडिसीजन कैंडल बनाया। इंडिसीजन कैंडल मतलब क्या, एक डोजी कैंडल बनाया और वो डोजी कैंडल कहाँ पे बना, एक टॉप पे बना। तो इस लोग के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है 17,700 का एक वीकनेस देखने को मिल सकता है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। अदरवाइज इस डोजी कैंडल के अंदर ही मार्केट ट्रेड करता है तो एक अच्छा सा साइडवेज मार्केट देखने को मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मार्केट का रेंज रह सकता है 17,940 और नीचे की तरफ देखें तो 17,621 का, इसी रेंज में एक साइडवेज मार्केट हो सकता है। अगर देखें तो एक अच्छा सा बुल रन होने के बाद मार्केट थोड़े यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड करेगा, इस रेंज को जिस साइड ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए भी हावरली का चार्ट, हावरली कैंडलस्टिक पे देखते हैं क्या तो यहाँ पे कोई पैटर्न वगैरह देखने को नहीं मिला। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे इंट्राडे के लिए क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कौन से लेवल देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचू तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। चलिए यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन खींच लेकर आपको दिखाता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इस ट्रेंड लाइन को अगर सपोर्ट ले जाता है एक मार्केट एक ऐसे बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम देख लो। अदरवाइज ऊपर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन खींचो तो यहाँ पे एक देखें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को देखना पड़ेगा नीचे या ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। और जैसे कि देखें 17,800 का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर अगर इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसके अंदर ब्रेक, इसके अंदर ओपन होते इसको ब्रेक करेगा तो एक फॉल्स सेगमेंट भी मतलब फॉल्स ब्रेकआउट भी देख सकता है। और इस फॉल्स ब्रेकआउट को आपको फाइंड करने के लिए आपको अगर बाय भी करना है तो 17,860 का अबाव निकलता है तभी एक बाय कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट करना है तो यहाँ पे एग्रेसिवली आप शॉर्ट जा सकते हैं। कौन से लेवल, तो आपको लेवल बता दो 17,790 के लेवल के नीचे अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन चालू होता है तो यहाँ पे सेल साइड जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गैप ओपन होता है यहाँ पे बायर्स खड़े, यहाँ पे एक अच्छा सा उसके ऊपर क्लोजिंग दिया वगैरह, यहाँ पे जो सेलिंग है यहाँ से आए तो इसके नीचे सस्टेन करते हैं, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में और एक अच्छा सा यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल से इन इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से इंट्राडे में आप वर्क कर सकते हैं। चलिए भी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिस देखेंगे और उसके बाद में चार्ट भी देखें। बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दे देखे थे 37,700 के यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो 37,700 का लेवल अगर देखे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ देखे तो 37,800 के लेवल पे अच्छा सा रेजिस्टेंस देखने को मिला, जो कि 24,000 कॉल राइटिंग है। तो 37,838,000 अच्छा सा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस देखे, बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 77,000 कॉल राइटिंग है। लेकिन नीचे की तरफ अगर सपोर्ट वगैरह देखे तो 17,000 यहाँ पे अच्छा सा पुट राइटिंग है, जो कि 37,700 के लेवल है। और उसके बाद में देखे तो 37,500 का सपोर्ट, अगर 37,500 का लेवल ब्रेक होता है तो अच्छा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में नजर बना के रखें। जब भी अभी डेली कैंडलस्टिक में देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है क्या। बैंक निफ्टी का रेंज अगर देखें तो ऊपर की तरफ 38,200 का आ रहा है, नीचे की तरफ 36,880 का आ रहा है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी एक अच्छा सा ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, नीचे की तरफ से यहाँ पे डोजी कैंडल है और इसका लो जो है 37,500 तो इसके नीचे निकलता है तो एक अच्छा सा सेलिंग देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। एक्टिव ग्रीन कैंडल बना है और अभी तक यहाँ पे कोई रेड कैंडल, यहाँ पे कोई सेलर देखने को, तो एक बैंक निफ्टी में मूवमेंट
एक आ सकता है लेकिन एक जोडी कैंडल के हायर लो ब्रेक करने के बाद। चलिए 15 मिनट में क्या कहता है बैंक निफ्टी, चलिए देख लेते हैं। यहाँ से भी एक बार ट्रेंड लाइन में आपको खींचकर दिखा दूँ, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि अच्छे से यहाँ पे रिस्पेक्ट करे, तो इस ट्रेंड लाइन को देखना पड़ेगा। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन कर निकलता है, तो यहाँ पे 37,000 की लेवल तक आ सकता है। और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पे करंटली रेजिस्टेंस ये शो कर रहा है, तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है, लेकिन इसके वो ब्रेकआउट भी करता है तो यहाँ पे 38,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी मैं आपको बाइंग के लिए कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हर तरफ से एक रिजेक्शन मिल रहा है और नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नजर बना करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तभी एक मोमेंटम बन सकता है। गैप अप गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे अपन प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का हायर लो मार्क करेंगे, उसी तरफ से यहाँ पे देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है। चलिए अभी हेवी टेक स्टॉक्स के बारे में देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है। रिलायंस अगर देखें, रिलायंस डेली कैंडल स्टिक के लिए ऊपर की तरफ 2474 का रेजिस्टेंस है और इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में एचडीएफसी बैंक अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक भी इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस ने जैसे देखे ये जो एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को अभी सपोर्ट कर रहा था लेकिन सपोर्ट को ब्रेक किया, गैप डाउन हुआ है और इसी जोन में ट्रेड करता है। इस कैंडल का लो ब्रेक होता है 1801 तो एक फिर से एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला इन्फोसिस में। एचडीएफसी अगर देखें तो एचडीएफसी ने अच्छा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, फिर से बैक टू एक रेड कैंडल बनाया, तो यहाँ पे मेरा अभी तक फिलहाल के लिए कोई व्यू नहीं। आईसीआईसीआई बैंक अच्छा सा बुलिशनेस देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखें तो फिलहाल के लिए इसके 800-810 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक यहाँ पे डोजी कैंडल बनाए, तो डोजी कैंडल के हायर लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत स्टॉक्स में डोजी कैंडल बनाए तो यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंटम किस साइड भी एक निफ्टी और बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखें टीसीएस में अच्छा सा बाइंग देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक अच्छा बैक टू बैक मूवमेंट होता है, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न हो सकता है, इसके लिए मैं वेट करूँगा। अगर यहाँ पे साइडवेज होता है, यहाँ पे किसी साइड पे ब्रेक देता है टीसीएस, तो एक अच्छा सा मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक करके अच्छा सा मोमेंटम दिया है। एचयूएल देखें तो एचयूएल के लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 2454 का। एक्सिस बैंक में यहाँ पे कोई व्यू नहीं है अभी तक के लिए। एलएनटी देखें तो एलएनटी सपोर्ट के नीचे क्लोज होता है, इसके नीचे सस्टेन कर देते हैं, एक वीकनेस देखने को मिल सकता है। और एसबीआई के लिए भी एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे मार्क करके देता हूँ, तो ये वाला रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस जोन के अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो फिर से यहाँ पे देखें यहाँ पे सेलिंग आया, पिछली बार भी सेलिंग आया तो इसका लो मतलब 489 इस लो को ब्रेक करता है तो फिर से एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। इंडसइंड बैंक के लिए ऊपर की तरफ 950-963 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बता दें, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस तरह से अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। और आपको वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के एनालिसिस की वीडियो आपके लिए ला सकूँ। चलिए थैंक यू।